तो आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें अपने फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट 4, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सपोजिटरीज के बारे में। और मैंने सोचा था इसको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, बट यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इशू की वजह से मेरी मोबाइल से लॉन्ग वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में कवर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दूसरा पार्ट भी आप लोग को आज ही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो सपोजिटरीज होती क्या है। तो सपोजिटरीज हमारी एक टाइप की डोजेज फॉर्म ही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। तो इसका शेप आप लोग यहाँ पे देखना, थोड़ा सा आप लोगों ने कभी बुलेट देखी हो तो यहाँ पे इसका शेप थोड़ा सा ऐसा रहता है। ठीक है, थोड़ा इस टाइप का आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सपोजिटरीज को हम लोग करते क्या है, इसको बेसिकली हम लोग अपनी बॉडी कैविटी के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। यानी जैसे बॉडी कैविटी की बात करें तो जैसे रेक्टम हो गया, ठीक है, वजाइना हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे माउथ को छोड़ के, ठीक है, माउथ को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडी कैविटी होती हैं, जैसे रेक्टल कैविटी, वजाइनल कैविटी और नेजल कैविटी, ईयर कैविटी, तो इन सारी कैविटीज़ पे हम लोग अपनी सपोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी एक स्पेशल टाइप की दवा होती है। ठीक है, आजकल वैसे ज़्यादा यूज़ में नहीं है, पहले मतलब थोड़ा बहुत यूज होती थी, आजकल इसका यूज़ वैसे बहुत कम हो गया है, बट हमारे सिलेबस में तो हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो सपोजिटरीज हमारे यहाँ पे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के अंडर में आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, यानी हमारी जो भी दवाएं होती हैं उनको यहाँ पे पिघला के हम लोग जो है अपनी सपोजिटरीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये किस तरह दिखती है और कैसे इसका यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी सपोजिटरीज है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि ये हमारी सपोजिटरी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में होती है। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसको जो हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे रेक्टल हो गया या फिर वजाइना हो गया या फिर ईयर हो गया, ठीक है, या फिर नोज हो गया, तो देखो अंदर डालने के बाद ना ये पिघल जानी चाहिए, ठीक है, ताकि ये अपना असर दिखा सके और जो भी दवा है उसको यहाँ पे रिलीज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज की, तो बेसिकली यहाँ पे 5 टाइप की सपोजिटरी हमें देखने को मिलती है। पहला होता है हमारा यहाँ पे रेक्टल सपोजिटरी, ठीक है, दूसरा होता है वजाइनल सपोजिटरी, थर्ड होता है यूरेथ्रल सपोजिटरी, ठीक है, और नेजल, और उसके बाद ईयरकोन। अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ों का मीनिंग पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख लो, ठीक है, उतना मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो रेक्टल सपोजिटरीज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपने रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जनरली थियोब्रोमा ऑयल या फिर इसी को कोकोआ बटर भी बोला जाता है, तो इसकी मदद से हम लोग बनाते हैं। अब देखो थियोब्रोमा ऑयल ना हमारी सपोजिटरी का बेस होता है, तो अभी हम लोग उस पर भी आ रहे हैं, तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो हमारी सपोजिटरी होती है तो उसमें बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम लोग उसको देखेंगे तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब इसका वेट की बात करें तो ये यहाँ पे 1 से 2 ग्राम की होती है, ठीक है, और जनरली यहाँ पे कोन या फिर टॉर्पेडो शेप में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, तो इस टाइप की हमें अपनी रेक्टल सपोजिटरीज देखने को मिलती है और इसको हम लोग अपने रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे वजाइनल सपोजिटरीज की, तो इसको यहाँ पे वजाइना के अंदर इंसर्ट करके यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे पेसरीज के नाम से भी जानते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पेसरीज क्या होती है, तो पेसरीज हमारे यहाँ पे वजाइनल सपोजिटरीज होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा रेक्टल सपोजिटरीज से बड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पे इनका वेट लगभग यहाँ पे 3 से 5 ग्राम का होता है, और यहाँ पे जनरली ये रॉड या फिर कोन शेप की होती है, और इनको जनरली यहाँ पे वजाइना में अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे यूरेथ्रल सपोजिटरीज की, तो इसको यहाँ पे यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे बोगीज के नाम से भी जानते हैं, और इसका वेट यहाँ पे 2 से 4 ग्राम होता है, और ये यहाँ पे पेंसिल के शेप में जो है हमें देखने को मिलती हैं। और नेजल सपोजिटरीज की बात करें तो वही बात है, ये हमें नेजल कैविटी में इंसर्ट करना होता है, ठीक है, यानी हमारी नोज के अंदर जो है इसको इंसर्ट करना होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे नेजल बुगीज के नाम से भी जानते हैं, और ये यहाँ पे जो है 9 से 10 सेंटीमीटर तक की लंबी हो सकती हैं, और वेट इनका जनरली यहाँ पे 1 ग्राम का होता है। और नेजल सपोजिटरीज हमारे यहाँ पे थिन और सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है, यानी इनका शेप थोड़ा सा लंबा होता है और ये पतली होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा नोज है तो उसके अंदर पतली होगी तभी जा पाएगी। और ईयर कोन की बात करें तो ये भी हमारी नेजल सपोजिटरी जैसे ही होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ईयर्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे ऑरिनरीज के नाम से जानते हैं, और इसका वेट यहाँ पे 1 ग्राम का होता है, और ये भी यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप की देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें हम लोग यहाँ पे एडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज की, तो देखो यहाँ पे जो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनको होश वगैरह नहीं है, जिनको यहाँ पे हम लोग मुंह से दवा नहीं दे सकते, तो उनके लिए यहाँ पे सपोजिटरीज काफ़ी ज़्यादा एक यूजफुल जो है डोजेज फॉर्म हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये कॉम्पैक्ट डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, यानी इनका एक फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है,
और यहाँ पे साइड इफेक्ट का भी काफ़ी लेस चांस होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे अपने माउथ से कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, इसको मतलब अदर बॉडी रूट से कंज्यूम किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसको अगर नॉजिया या फिर वोमिटिंग यानी उल्टी वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे उनके लिए जो है सपोजिटरी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डोजेज फॉर्म हो जाती है। और जो हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जो कि दवा कुछ खा नहीं सकते, ठीक है, निगल नहीं सकते, उनको स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी सपोजिटरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी डोजेज फॉर्म देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसको जो है रेक्टम या फिर वजाइना में जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्टली ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पे सपोजिटरी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये काफ़ी इरिटेटिंग डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, तो कई सारे पेशेंट इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सपोजिटरीज का आज के दिन में ज़्यादा यूज होता भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, जो भी पेशेंट यहाँ पे डायरिया वगैरह से जो है सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी डोजेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इरिटेटिंग ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे सपोजिटरी के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ड्रग थोड़ी सी इरिटेटिंग नेचर की है और उसको हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टम वगैरह में इंसर्ट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर होता क्या है ना, कि जैसे इसको यहाँ पे रेक्टम वजाइना या फिर नोज से इंसर्ट किया जाता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता अच्छे से। देखो क्या है ना, कि सपोजिटरीज को आप लोग इंसर्ट किए तो उसका पिघलना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो वो पिघली नहीं, दवा को उसने रिलीज नहीं किया, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा ही नहीं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सपोजिटरी है, उसको हम लोग को यहाँ पे लो टेम्परेचर पे रखना होता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, वो पिघल जाएगी, ठीक है, तो अगर पहले से ही पिघल गई तो उसको इंसर्ट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सपोजिटरी बेसिस है, ठीक है, तो इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और एग्जाम में जो है डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है या फिर कंबाइन करके पूछेंगे। तो सपोजिटरी बेसिस क्या होता है, देखो कोई भी हमारी दवा है, ठीक है, तो हम लोग को पता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एपीआई से और एक्सीपिएंट से, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे सपोजिटरी है, ठीक है, एक सिंपली आप लोग समझो कि जो हमारी सपोजिटरी है, तो इसमें जो हमारा एपीआई है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जिस एक्सीपिएंट में मिक्स करते हैं, तो वही मेन एक्सीपिएंट हमारा होता है बेस, ठीक है, सपोजिटरी का बेस हमारा जो है एक सपोजिटरी का मेन एक्सीपिएंट होता है। देखो बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ की जाती हैं, जैसे हमारा प्रिजर्वेटिव हो गया, अगर ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे, लेकिन बेस हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। बेसिकली जैसे हमारी जो भी मेन दवा है एपीआई है, उसको हम लोग यहाँ पे इसी बेस के साथ मिक्स करके अपनी सपोजिटरी को बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपनी प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज को, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सपोजिटरीज बेसिस आर द एक्सीपिएंट्स दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज, ठीक है, हमें पता है। और यहाँ पे ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीज ऑफ मेडिकामेंट में, ठीक है। अब सपोजिटरीज बेसिस को यहाँ पे जो है बॉडी कैविटी के अंदर मस्ट डिजॉल्व, यानी देखो जैसे हमारा जो भी सपोजिटरी है, तो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट हमारा बेस है, तो सपोजिटरी के डिजॉल्व होने का क्या मतलब है कि बेस डिजॉल्व हो रहा है, तो अगर बेस नहीं डिजॉल्व होगा तो सपोजिटरी भी नहीं डिजॉल्व होगी, डिजॉल्व मतलब यहाँ पे उसका पिघल जाना, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जैसे हमारा एक अच्छा सपोजिटरी बेस है, तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि वो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाना चाहिए, और यहाँ पे इनर्ट होना चाहिए, यानी कि उसका खुद का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, पता चले हम लोग यहाँ पे उसको एपीआई के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, वो अपना अलग ही एक्शन शो कर रहा है, वो यहाँ पे इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, और नॉन इरिटेटिंग, इरिटेटिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और उसकी अपियरेंस यानी दिखने में भी ज़्यादा ख़राब वगैरह नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कंपैटिबल होना चाहिए किसी भी मेडिकामेंट के साथ, जैसे हमारी सपोजिटरी है, अब यहाँ पे अलग अलग सपोजिटरी के लिए अलग अलग मेडिकामेंट यूज होता है, ठीक है, तो उन सारे के साथ यहाँ पे कंपैटिबल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एपीआई को मिक्स किया तो वहाँ पे रिएक्शन वगैरह हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए इफ़ हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारा सपोजिटरी बेस है, तो अभी हम लोग जब प्रिपरेशन को देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारी सपोजिटरीज को हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं, ठीक है, एक मेथड होता है फ्यूजन मेथड, तो उसमें हम लोग हीट करते हैं, तो हीटिंग के टाइम पे जो हमारा बेस है वो यहाँ पे मेल्ट नहीं होना चाहिए, पता चले बेस पिघल गया तो हमारी सपोजिटरी बनेगी ही नहीं। और उसके बाद यहाँ पे इट शुड रिलीज मेडिकामेंट रेडली, यानी कि जो हमारा बेस है, तो उसको यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जब सपोजिटरी को इंसर्ट किया, तो बेस जो है हमारे मेन एपीआई को रिलीज कर दे, ऐसा नहीं हो कि रिलीज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस के बारे में, तो यहाँ पे मेनली हमें तीन टाइप के सपोजिटरी बेस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा यहाँ पे ऑयली या फिर फैटी बेस, और सेकंड होता है हमारा यहाँ पे वाटर सॉल्युबल बेस, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे इमल्सिफाइंग बेस।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे ऑयली या फिर फैटी बेसिस के बारे में, तो ये हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सपोजिटरी बेस है, यानी कि जो हमारी सपोजिटरी है तो उसको बनाने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा अपने ऑयली बेसिस का ही यूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी जो हमारा थियोब्रोमा ऑयल है, इसी को हम लोग यहाँ पे कोकोआ बटर के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो नंबर में कभी कभी इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मेनली जो है तीन टाइप के बेस देखने को मिलते हैं, थियोब्रोमा ऑयल हो गया, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल हो गया और हाइड्रोजिनेटेड ऑयल। तो जो हमारा यहाँ पे थियोब्रोमा ऑयल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को यूज किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे कोकोआ बटर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा थियोब्रोमा कोकोआ है, तो उसके सीड को यहाँ पे रोस्ट करके यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हमें येलोइस व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, इसका थोड़ा सा चॉकलेटी ऑर्डर होता है। और यहाँ पे ये बटर यानी कि थोड़ा सा मक्खन जैसा होता है। और यहाँ पे जो हमारा थियोब्रोमा ऑयल है, ये बेसिकली यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं, तो उनके ग्लिसरील इस्टर्स का यहाँ पे मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखो, इसको आप लोग को आने वाले सेमेस्टर में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग इस लाइन को ऐसे ही याद कर लेना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हमारा मोस्ट सुटेबल बेस होता है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, कि जो हमारी रेक्टल सपोजिटरी है तो उसके लिए थियोब्रोमा ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे पैसरीज है, नेजल सपोजिटरीज है, यूरेथ्रल सपोजिटरीज है, तो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारी सपोजिटरी है वो ज़्यादातर यहाँ पर रेक्टल सपोजिटरी के फॉर्म में ही बनाई जाती है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा यही सपोजिटरी हमें देखने को मिलती है और इसीलिए ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पे बात करें हम लोग इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल के बारे में, तो जैसा इसका नाम है तो थोड़ा सा देखो ये इमल्सन के नेचर का होता है, ठीक है। इमल्सन आप लोगों ने जो है पिछले यूनिट में पढ़ा ही है। तो इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन को बहुत लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो हम लोग यहाँ पे इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल को एज अ बेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा लेस स्टिकी नेचर का होता है कंपेयर टू थियोब्रोमा ऑयल, ठीक है, यानी ये ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। और इसके अंदर मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, 5% ग्लिसरील मोनोस्टेरेट, ठीक है, और 10% लैनेट वैक्स, ठीक है, और 2 से 3% सिटाइल अल्कोहल, ठीक है, बीज वैक्स, स्पर्मेसिटी, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग जनरली अपने थियोब्रोमा ऑयल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज करते हैं। यानी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग थियोब्रोमा ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हमारा थियोब्रोमा ऑयल जो है अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह हम लोग यहाँ पे अपने हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक बेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ओवर हीटिंग से जो है अनअफेक्टेड होता है, यानी अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हीट भी कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा फर्क वगैरह नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो थियोब्रोमा ऑयल है, तो उसके कंपेयर में ये लेस विस्कस होता है, यानी ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है और कॉटन सीड ऑयल है, तो इसका हाइड्रोजिनेटेड मिक्सचर होता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजिनेटेड ऑयल। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकेंड टाइप की, तो ये होता है हमारा यहाँ पे वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल बेस। देखो जैसा इसका नाम है, यानी कि ये थोड़ा सा वाटर में मिक्स हो जाता है। अब इसमें मेनली हम लोग को जो है ग्लिसरोजिलेटिन और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल देखने को मिलता है। अब ग्लिसरोजिलेटिन की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इसको हम लोग यहाँ पे मेनली अपनी वजाइनल सपोजिटरीज यानी कि पैसरीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देना कि पैसरीज को बनाने के लिए हम लोग ग्लिसरोजिलेटिन और रेक्टल सपोजिटरीज को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे थियोब्रोमा ऑयल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर होता है किसका, ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर होता है। यहाँ पे कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, सॉफ्ट नेचर का होता है, 30 से 35 डिग्री के बीच में मेल्ट हो जाता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वही बात है कि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम में ही मेल्ट हो जाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर जाए तो तुरंत मेल्ट हो जाए। और बात करें यहाँ पे पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे जनरली पॉलीग्लाइकॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिनॉल्स को छोड़कर हमारी जो ज़्यादातर दवाएं हैं वो इस वाले बेस के साथ जो है कंपेटेबल होती हैं, और यहाँ पे जो है हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। एंड बात करें अपने लास्ट बेस की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे इमल्सिफाइंग बेस। अब देखो ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इमल्सिफायर्स नेचर का होता है, जो कि हमारे इमल्सन को मिक्स करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर मेनली हमें वाइट पिसॉल, मासास्टेरेनम और मासोपॉल देखने को मिलता है, तो एक दो के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। जैसे कि वाइट पिसॉल हमारा क्या होता है, फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग को रैपिडली कूल नहीं करना चाहिए, यानी अचानक से इसको बहुत ठंडा नहीं करना चाहिए, वरना ये ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टूट जाते हैं, ठीक है, तो अगर इसको बहुत जल्दी ठंडा करोगे तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ पे नॉन इरिटेंट होते हैं, ठीक है, यानी इरिटेशन वगैरह कॉज नहीं करते हैं।
और बात करें हम लोग यहाँ पे मासेस्टेरिनम की, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिक्सचर होता है मोनो डाई एंड ट्राई ग्लिसराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों टाइप की ग्लिसराइड हमें देखने को मिलती है और ये यहाँ पे व्हाइट होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की वीडियो में सपोजिटरीज और सपोजिटरी बेसिस को कवर कर लिया है और आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इवैल्यूएशन और प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज के बारे में, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को वीडियो आज ही देखने को मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।